आज के इस लेसन में हम ड्रा मेन्यू से रिलेटेड ही कुछ काम करेंगे। तो यहां पे हमारे पास ड्रा पैनल तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ड्रा में हमने लाइन ड्रा की थी, आर्क ड्रा किया था, तो इनकी मॉडिफिकेशन के लिए और फॉर्मेटिंग के लिए इनके कुछ फॉर्मेट चेंज करने के कुछ टूल्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि लाइन का कलर चेंज करना है आपने, लाइन की विड्थ को बढ़ाना है, उसके अलावा लाइन टाइप चेंज करनी है, और अगर मल्टी लाइन इंसर्ट करनी है, तो ये सारे टेक्निक्स होती हैं, इनके लिए हमें इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए जो लोग ऑटोकैड, जिन्होंने ऑटोकैड 2007 में काम किया हुआ, तो वो मेन्यू में देखें तो उनके पास फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, वो फॉर्मेट से काफी सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में पॉइंट इंसर्ट किया था, तो पॉइंट की फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए हमने कमांड अप्लाई की थी, जिसकी वजह से हमने जो पॉइंट है उसका स्टाइल चेंज किया था और पॉइंट का फॉर्मेट चेंज किया था। तो इसी तरह आज के लेसन में हम लाइन का कलर कैसे चेंज करते हैं, लाइन की विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, थिकनेस इसकी कैसे बढ़ाते हैं, और इसके अलावा और भी जितना भी रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, आर्क हो गया, इन सब के ऊपर देखेंगे इनका फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑटोकैड 2015 या 16 जिनके पास ओपन है, तो वो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से करेंगे शो मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, तो उनके पास यहाँ पे फाइल, विंडो हेल्प फाइल के बाद एडिट आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा, व्यू आ जाएगा। तो फॉर्मेट पे जाके देखें तो उसमें कंप्लीट आपके पास आ जाएगा कि आपने किस किस चीज की फॉर्मेटिंग, आप जिस जिस चीज की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहो तो आप वहां से चेंज कर सकते हो। तो जो कमांड्स मैं आपको बताऊंगा ये सारे काम आप फॉर्मेटिंग से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, शो सॉरी मोर कमांड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑल कमांड ओनली के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करें। तो देखिए फॉर्मेट में जो जो चीजें हमने नहीं की उन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेटिंग तकरीबन ऑटोकैड की कोई भी आप जो काम करते हो तो उस सब की फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे आज जिस तरह हमने प्रीवियस लेसन में हमने देखे तो पॉइंट स्टाइल चेंज किया था, और जब हमने पॉइंट ड्रॉ किया तो पॉइंट पे काम किया था, तो उसमें हमने पॉइंट स्टाइल चेंज किया था। इसलिए डायमेंशन का स्टाइल चेंज करने के लिए हम डी एंटर करते हैं, तो डी एंटर करते हैं तो उसकी डायमेंशन स्टाइल आ जाते हैं। इसी तरह आज के लेसन में हमने लाइन टाइप के ऊपर डिस्कस करना है, लाइन वेट के ऊपर डिस्कस करना है, कलर के ऊपर काम करना है, और मल्टीपल लाइन जैसे कि यहाँ पे आएगा जी मल्टी व्यू और मल्टी, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी लाइन स्टाइल के ऊपर काम करना है। तो आज के लेसन में इन चार चीजों के ऊपर काम करेंगे, और जैसे जैसे फिर काम करते रहेंगे, जैसे कि हमने अभी तक काम नहीं किया, हमने टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं किया, तो टेक्स्ट से रिलेटेड जब काम करेंगे तो आ जाएगा। हम यूनिट पे काम कर चुके हैं तो यूनिट की सेटिंग्स हम कर चुके हैं, तो वो आपको पता होगा कैसे करनी है। इसी तरह स्केल के ऊपर काम कर लिया है, और इसके अलावा हमने जिस जिस चीज के ऊपर काम किया हमने इसके फॉर्मेटिंग भी चेंज करना सीखी है। डायमेंशन से हमने फॉर्मेटिंग चेंज करनी सीखी थी डी एंटर करके, और लिमिट्स हमने अप्लाई करनी सीखी थी ड्राइंग की लिमिट्स। तो जिस जिस चीज पे हमने काम नहीं किया उसके साथ साथ फॉर्मेटिंग से चेंज करते रहेंगे। तो फिलहाल हम ड्रॉ मेन्यू में जो काम किया उससे हम रिलेटेड फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, और मैं 100 फिट की लाइन देता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास लाइन का कलर चेंज है क्योंकि मैंने अभी चेंज किया था। अब ये लाइन का कलर कैसे चेंज हुआ और इसको कैसे दोबारा नॉर्मल लाना है, तो उसके लिए आपने COL एंटर करना है। COL कलर के लिए यूज होता है, COL लिख के आपने एंटर या स्पेस प्रेस करना है, तो आप बस यहाँ पे डिफरेंट कलर आ गया। आप जो भी कलर चाहें, जैसे कि मैं अब येलो कलर चाहता हूँ और ओके करता हूँ, अब इसका कलर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब न्यू लाइन आप एंटर करेंगे, एल एंटर, न्यू लाइन जब एंटर करेंगे तो आप देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूं कि लाइन कलर के बाद लाइन का कलर दोबारा डिफॉल्ट लाना चाह रहे हैं, तो डिफॉल्ट लाने के लिए आप दोबारा से COL एंटर करेंगे, और इससे आपने क्या करना है, बाय लेयर करना है। तो कलर में इंडेक्स कलर भी है, ट्रू कलर भी है, और कलर बुक भी, आप जो भी कलर चाहें आप ऐड कर सकते हैं। बाय लेयर पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका कलर डिफॉल्ट कलर आ जाएगा। जैसे कि मैं एल एंटर करता हूं तो व्हाइट कलर जो इसका होता है डिफॉल्ट होता है, तो व्हाइट कलर इसका आ जाएगा। इसी तरह लाइन का वेट, लाइन की विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, एल एंटर करता हूं, लाइन की विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो लाइन की विड्थ बढ़ाने के लिए आप एल डब्ल्यू एंटर करें। एल डब्ल्यू लिखने के बाद आपने एंटर करना है, तो यहाँ पे देखें काफी सारी लाइन की वेट थे, यहाँ पे आपने कोई भी आप चेंज करना चाह रहे कर सकते हैं लाइन वेट। और यहाँ पे अपने मैं यहाँ पे 0.70 mm देता हूँ, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं एल एंटर करता हूँ,
मेरे पास लाइन वेट डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो लाइन वेट को डिस्प्ले करने के लिए आपने एल डब्ल्यू दोबारा प्रेस करना है और यहां से लाइन वेट डिस्प्ले लाइन वेट को चेक करना है और ओके कर देना है। तो देखें तो आपके पास लाइन वेट यहां पे इंसर्ट हो चुका है और लाइन का वेट भी यहां पे चेंज हो चुका है। इसी तरह इसके लाइन वेट कम करने के लिए एल डब्ल्यू दोबारा एंटर करके आप यहां से वेट्स का बाय लेयर करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं करता। अब लाइन वेट पे, लाइन वेट के बाद इसका लाइन का, लाइन की टाइप आपने चेंज करनी है तो आप यहां पे एल एंटर प्रेस करें और लाइन टाइप यहां पे देखें लिखा हुआ आ गया, नहीं तो आप पूरा लाइन टाइप टाइप करें तो आपको लाइन टाइप लिखा हुआ आ जाएगा और लाइन टाइप पे आपने क्लिक करना है। तो यहां पे डिफरेंट किस्म की लाइन टाइप्स हैं, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट आपके पास दो या तीन टाइप्स होंगी। तो ज्यादा लाइन टाइप को लोड करने के लिए आपने क्या करना है, लोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे काफी सारी लाइन टाइप्स हैं आप देख सकते हैं, तो इनमें से जो भी लाइन टाइप आपको अच्छी लगती है आप उसको सिलेक्ट करके आप ओके करें तो वो लाइन टाइप यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए ट्रैक आ गया मेरे पास, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे जी और मैं लाइन टाइप ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं लोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास जी बैटिंग आ जाती है और इसके अलावा काफी सारी बैटिंग्स और इससे काफी सारे नाम है लाइन के, हिडन लाइन है और यहाँ पे देखें ज़िगज़ैग लाइन है हमारे पास। तो इसको मैं ओके करता हूं। अब ये जो लाइन है इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं लोड करूंगा और सॉरी सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं करूंगा करंट, करंट पे क्लिक करने के बाद आपने ओके करना है। अब आपके पास यहां पे लाइन नहीं आई तो आपने दोबारा से मैं एल एंटर करता हूं तो देखें तो मेरे पास यहां पे ये लाइन नहीं आ रही जो मैंने स्टाइल दिया हुआ है। तो जो लोग ऑटोकैड 2016 या 15 कर रहे हैं तो उनके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन होगा, उस प्रॉपर्टीज में आपके पास लेयर होगी, उस लेयर को सिलेक्ट करके तो उसके नीचे लाइन टाइप्स होंगी तो आपने जो भी टाइप सिलेक्ट किया उसको सिलेक्ट कर ले। तो मैं प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप भी इसी तरह प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी वहां पे भी पड़ी हुई होती है। और यहाँ प्रॉपर्टीज में देखें तो लाइन टाइप में यहां से सिलेक्ट करता हूँ, कौन सी लाइन टाइप है जी, मैं ये वाली लाइन टाइप सिलेक्ट करता हूँ, जो भी आप चाहें देखें। अब यहाँ पे देखें तो मैं यहां से देखें हिडन लाइन कर रहा हूँ तो वो हिडन होगी है, आप देखें जो भी आप चूज करना चाहें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाली लाइन टाइप सिलेक्ट करता हूँ और लाइन को थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ तो देखिएगा ये देखें तो जो मैंने लाइन अप्लाई की थी देखें उसका स्टाइल चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका जो होता है मैं आपको बताता हूँ ये देखिए अब ये वाली लाइन आपके पास आ गई है। अब ये ऐसा है कि आपके पास जो लाइन स्टाइल है, अब लाइन टाइप जो है, अब लाइन टाइप अपने वन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको आप 0.5 करें, एंटर करेंगे तो साइज का देखें छोटा हो चुका है। आप इसे यहां से 0.5 की जगह आप इसे जितना चेंज करते जाएंगे, अब मैं इसे फॉर एग्जाम्पल 0.2 करता हूँ, एंटर करता हूँ तो 0.2 में और कम हो गया देख सकते हैं। तो आप इसे जितना ज्यादा कम करेंगे यहां से लाइन टाइप को तो आपके पास ये ऐसा रहेगा कि कम होता जाएगा, तो इसी वजह से आपके पास यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रही थी। अब मैं लाइन टाइप को इंसर्ट करता हूँ और मैं इसका साइज जो है तो फॉर एग्जांपल मैं एल एंटर करता हूँ और यहां से देखिए थोड़ी सी मैंने लाइन एंटर किया तो देखिए इसका साइज चेंज हो रहा है, आपके पास ये लाइन आ गया। इसी तरह आप और कोई लाइन स्टाइल इसी को सिलेक्ट करें और इस लाइन को सिलेक्ट करके किसी की प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी जगह में और कोई स्टाइल देता हूँ, देखें ये वाला स्टाइल आ गया। अब जो भी स्टाइल दें तो वो स्टाइल इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो लाइन टाइप को आपने यहाँ से चेंज करना है तब आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ये था जी लाइन टाइप, लाइन कलर और लाइन वेट चेंज करना। अब लाइन टाइप को आप लाइन टाइप पे क्लिक करें और आपने बाय लेयर को सिलेक्ट करके इसको क्या करना है, आपने करंट कर देना है और इन लाइन को आप बेशक यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं और क्लियर आर कर सकते हैं, सारी सारी क्लियर हो जाएंगी और ओके करते हैं। यहाँ पे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बाय लेयर को सिलेक्ट करके इसको मैं करंट करता हूँ और ओके करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ तो देखिए बाय लेयर मेरे पास लाइन आ गई। लाइन वेट को खत्म करना है, एल डब्ल्यू एंटर करता हूँ तो लाइन वेट बाय लेयर करते हैं, एल एंटर करें आप देखें दोबारा एल डब्ल्यू एंटर करके तो इसको भी आप अनचेक कर दें। ओके, तो ये जी आपके पास लाइन वेट और लाइन टाइप आ गई। इसके बाद है मल्टी लाइन,
तो मल्टी लाइन यूज होती है, आप बस जब आप कोई प्लान बनाते हो तो उसमें आपने डोर बनाने हैं या फिर आपने दीवारें बनानी है, वॉल्स बनानी है, तो वॉल्स के लिए आपने डबल लाइन आप चूज करते हो, तो उसके लिए आप देते हो लाइन मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन के लिए आप यहाँ पे अब मल्टी लाइन आपने देनी है तो मल्टी लाइन के लिए एमएल एंटर करेंगे, तो एमएल से मल्टी लाइन आपके पास आ जाएगी। मल्टी लाइन आ गई, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके आप सेकंड पॉइंट पे जाएं तो आप देखिएगा यहाँ पे देखिए जरा मल्टी लाइन आपका इंसर्ट हो गया। एमएल एंटर करता हूं, देखें तो ये मल्टी लाइन आपके पास, सी फॉर क्लोज कर दें तो क्लोज हो जाएगी, तो ये मल्टी लाइन आपके पास। बाकी सारे इसके इसकी जितनी भी टेक्निक्स है वही लाइन वाली टेक्निक्स है मल्टी लाइन की भी। अब मल्टी लाइन का स्टाइल चेंज करना है, जैसे कि मैं एमएल एंटर करता हूं, तो एमएल एंटर करता हूं तो यहां पे इसका जो है, तो यहां से यहां तक इसके ऑफसेट आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप मल्टी लाइन थ्री लाइन लगाना चाह रहे हैं, तो सारे काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एमएल स्टाइल होता है बस, एमएल स्टाइल पूरा भी लिख सकते हैं और यहाँ पे एमएल स्टाइल पे क्लिक करें तो ये मल्टी लाइन स्टाइल है। और यहां से आप स्टैंडर्ड जो स्टाइल है इसी को चेंज करना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करके आप लोड करके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन नया बनाना चाहे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूं तो ये चेंज नहीं होगा, न्यू बनाने के लिए आप न्यू पे क्लिक करें, न्यू स्टाइल का नेम दे दें, नाम में दे देता हूँ इसका फॉर एग्जाम्पल तैमूर, और इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब तैमूर वाला स्टाइल आ गया, आप इसको कंटिन्यू करने के बाद आप देखें तो इसमें स्टाइल क्या क्या है। अब इसमें स्टाइल ये कि अब यहाँ पे देखें इसको आपने साइज देना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया 0.5 है, 0.5 है यहाँ पे, तो मैं इसे 1 कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.5 है, 0.5 को आप करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, और यहाँ नीचे वाले को आप कर दें इसको 0.5, और ये 0.5 आ गया और ये 1 आ गया, 0.51, और यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ, अभी देखें टू लाइन है तो मैं एक और ऐड कर लेता हूँ और इसको 0 ही कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे 0 आ गया, 0.5 और फिर 1। हमेशा याद रखें कि नीचे से आपने जो स्टार्ट करना है सबसे कम वैल्यू यहाँ पे देनी है, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा, इस तरह आप चलते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे लाइन ऐड होती जाएंगी। ये 0 है, 0.5 यहाँ पे इसका स्पेस आ गया, अब यहां से ऊपर 1 का स्पेस आ गया, और अब इसी तरह आप देते जाए तो ये ऐड होता जाएगा। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो आपको यहां नजर आ रहा होगा, अब यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड करने के बाद उसका कलर चेंज करना चाहिए तो कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे देखें यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, बाय लेयर है इसका कलर आप ये वाला कर दें और इसका कलर आप यहां से ये कर दें, तो देखिए इसके कलर चेंज हो गए, अब इनके कलर चेंज हो गए, तो कलर आप यहां चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज नहीं करने तो बाय लेयर कर दें, इसको भी बाय लेयर कर दें और इसको भी बाय लेयर कर दें। लाइन टाइप चेंज करनी है तो लाइन टाइप यहां से चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि स्टार्ट पे, देखिए स्टार्ट पे क्लिक करते हो स्टार्ट पे एक लाइन आ जाए, तो आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे एक लाइन आ गई। इसी तरह आप चाहते हैं एंड पे आ जाए तो ये एंड पे आ जाएगी। आप चाहते हैं स्टार्ट और एंड पे लाइन ना, स्टार्ट और एंड पे आपका एक आर्क आ जाए, तो देखिए आर्क आ गया, एंड पे चाहे तो एंड पे भी एक आर्क आ जाएगी। आप चाहते हैं इनर आर्क आ इनके बीच में स्टार्ट में तो इनर आर्क आ जाएगी, और एंड में करेंगे तो एंड में इनर आर्क आ जाएगी। फिल कलर देना चाहे तो आप फिल कलर दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप नन कर दें। तो ये सारे काम आप करने के बाद आप डिस्प्ले ज्वाइंट पे क्लिक करें तो जहां पे ज्वाइंट लगा है इसका, जहां से इनमें फासला आ रहा है तो वहां पे ये क्या करेगा, इसको डिस्प्ले कर देगा। अब ये काम करने के बाद आपने ओके करना है और इस लाइन को आप सेट करंट कर लें, सेट करंट करने के बाद इसको क्लोज कर दिए, ओके कर दें। अब मैं जब यहां पे एम एल एंटर करूंगा, तीन लाइन मेरे पास आ रही है, देख सकते हैं। अब इसी तरह इसको खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, एम एल एंटर करना है, सॉरी एम एल स्टाइल लिखना है, और यहां से तैमूर क्लियर को इसको मैं स्टाइल को खत्म कर देता हूं। इसको पहले आपने क्या करना है, सेट करंट कर लें। अब नेचर को सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये डिलीट हो रहा है, क्योंकि ये वाला करंट सिलेक्ट किया हुआ था इस वजह से ये डिलीट नहीं हो रहा था। तो अभी इसको आप डिलीट करना चाहे तो यहां से डिलीट पे क्लिक करके यस करें तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये था जी मल्टी लाइन का स्टाइल, और आज के लेसन में हमने मल्टी लाइन के ऊपर काम किया, लाइन की टाइप, लाइन की वेट और लाइन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह लाइन के टाइप जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखें तो वो लाइन के लिए नहीं था,
वो आपके कलर और टाइप जो थी वो आपके सर्कल के लिए भी थी, आर्क के लिए भी थी, हर चीज के लिए थी। जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा से आपको बताता हूँ, एल डब्ल्यू एंटर करता हूँ, मैं यहाँ से ये लाइन वेट देता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, ओके, और सी ओ एल कलर भी चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब मैं आर ई सी रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए रेक्टेंगल में भी वो स्टाइल कलर आ गया। सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल में भी वही आ गया। तो जो भी चीज आप करेंगे, जिस पे भी काम करेंगे, सब पे ये कलर और ये सारी चीज चेंज हो जाएंगी। तो ये थी मॉडिफिकेशन और फॉर्मेटिंग, आपके कोई भी आप ड्रॉ जो चीज करते हो उसकी फॉर्मेटिंग और मॉडिफिकेशन। तो इनको दोबारा बाय डिफॉल्ट लाने के लिए सी ओ एल एंटर करता हूँ, इसको बाय लेयर कर देता हूँ, ओके, और इसी तरह मैं एल डब्ल्यू एंटर करता हूँ और इसको भी बाय लेयर करके ओके कर देता हूँ। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और टूल्स, कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।